देश के प्रधानमंत्री साथियों नरेंद्र मोदी भी साथियों बुरी तरह से भावुक हो चुके हैं। वहीं साथियों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी साथियों बता दें कि बुरी तरह से भावुक हो चुकी है। अभी की साथ इस वक्त की जो खबर निकल कर सामने आ रही है बेहद दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है साथियों, लाशों लाशों का ढेर लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। हादसा साथियों आपको बता दें कि खबर जो निकल कर सामने आ रही है, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह मौसम खराब और कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया, इसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। आग लगने से पायलट समेत 7 की मौके पर मौत हो गई, इनमें से 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के थे। जी हां साथियों, बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साथियों दुख जताया है। वहीं साथियों आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने हेलीकॉप्टर आरएन एविएशन के बेल कंपनी का है। हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह 11:25 पर केदारनाथ बेस कैंप से नारायण गोटी गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही गरुड़ चट्टी के पास वो क्रैश हो गया। कुछ फोटोज और वीडियो भी सामने आए हैं, इसमें हेलीकॉप्टर का मलबा, आग और स्थानीय लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है।